बड़ल साहब, आपने कल की जो हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी उसमें आपने कहा था कि मैं खान साहब की जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से खान साहब को इन चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। 1 करोड़ नौकरियां देनी हैं, 50 लाख घर बनाने हैं, कर्जों का बोझ अलग से है, तो ये किस तरह से आप देखते हैं कि खान साहब मैनेज कर पाएंगे? मुनीब, हमने आज तक हमारे सियासदानों ने ख़ास तौर पे कुछ जो 35 साल से हुक्मरान रहे उन्होंने सिर्फ इस पाकिस्तान के लिए एक ऐसी इसको बेवा समझा जो खूबसूरत भी है लेकिन जवानी में बेवा हो गई, उसको नोचा खोचा कैसे जा सकता है? बेवा की बात करना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे? लेकिन इन्होंने किसी ऐसी चीज़ पे काम नहीं किया जो ठोस बुनियादें लेकर पाकिस्तान को एक मजबूत इकोनॉमिक जॉइंट के तौर पे पेश कर सकता। मैंने कल जो कहा था कि पाकिस्तान के इन जो चैलेंजेस हैं जो इमरान खान साहब ने कहा एक आउटलाइन दी कि 100 दिनों में हम ये रोड मैप बनाएंगे, नगर पर चला देंगे, 100 दिन में इस रास्ते पे चलाना शुरू कर देंगे और 5 साल में ये टारगेट अचीव कर लेंगे। अब जब कर्जे हमारे सर पे आ पड़े हैं, $12 बिलियन हमें फौरी तौर पे अदा करना है सूद और किस्त की सूरत में। आप मुझे कोई बंदा ये बता दे, खास तौर पे मेरे पास पाकिस्तान के एक सीनियर सियासदान जो साबिक वजीर भी रहे हैं, जी जी बिल्कुल, वो ये बता दें कि जिस मुल्क के पास सिर्फ एक जगह, एक छोटा सा जिला जिसका नाम चनोट है, उसके 28 किलोमीटर के एरिए में, सिर्फ 28 किलोमीटर के एरिए में 500 मिलियन टन सोना हो, 500 मिलियन टन सोना ना किलो, सर यहां तो एक तोला भी हजारों में होता है। मैंने वही अर्ज किया, 500 मिलियन टन मैंने 3 दफा रिपीट किया है ताकि मेरी कौम जो डिप्रेस है इस वक्त, जो इन डाकुओं के हाथों डिप्रेस है, जो मुल्क को लूट के एक तरफ जा बैठे हैं। सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, मैं जो कह रहा हूं ये सर्टिफाइड बात कर रहा हूं मैं, जो टेस्टेड और टेस्ट के बाद चीजें निकली हैं। ये इस सोने की मालियत $1 ट्रिलियन है और आपके टोटल कर्जे इन लुटेरों के लूटने के बावजूद $100 बिलियन तक पहुंचे हैं। अभी सिर्फ एक हमारी एक चीज जिसका नाम सोना है, वो आपके सारे कर्जे उतार के भी आपको उससे कम से कम 99 गुना ज्यादा 99 100% ज्यादा इसकी दौलत दे सकती है। अच्छा सर एक सेकंड, मैं अगला पॉइंट भी आपका लूंगा। नहीं, अभी सोने पे मुझे थोड़ा सा और बताने दें। अच्छा, सोने पे अभी हमने सेंधे को ऐड नहीं किया। आप खुश हैं सोने की दरियाफ्त पर? मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा, मेरी मादरे वतन, मेरे गरीब अवाम, मेरी कौम के नौजवान बच्चे जिनकी पूरे सोसाइटी में 65% तादाद है जिनके पास कोई नौकरी नहीं, जिनके पास तालीम भी है और वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, ये उन्हें खुशखबरी ना दूं मैं आपको? आपके चले खुशखबरी दें और 500 ट्रिलियन टनों की बात कर रहे हैं बटाल साहब, मैं बढ़ूंगा गुलाम, 500 मिलियन टन मैं कह रहा हूं, 500 मिलियन टन। अच्छा, गुलाम अब्बास साहब की जानिब बढ़ूंगा। जी गुलाम अब्बास साहब, कब निकाल रहे हैं ये 500 मिलियन टन सोना, 1 ट्रिलियन डॉलर की? मेरे से तो अदा भी नहीं हो रहा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा बटाल साहब की बातों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खान साहब के एजेंडे में ये बात नहीं है वैसे जी? बटालवी साहब ने देखे, खान साहब के एजेंडे में पूरा पाकिस्तान है और पूरे पाकिस्तान के सारे वसाइल और मसाइल भी उनके एजेंडे पर। बिल्कुल ठीक, अभी मसाइल है, वसाइल बाद में वही सारे कुछ देखे, मसाइल का हल वसाइल के जरिए ही होगा। बिल्कुल, और उनकी डिटर्मिनेशन से होगा, उनके इरादे से होगा, उनकी ईमानदारी से होगा और उसके ऊपर एक मुकम्मल तौर पर एक मजबूत इरादे के साथ वो स्टैंड लेके ही होगा। बिल्कुल बटालवी साहब ने ठीक कहा, इन्होंने जो चनौट के हवाले से बात की, मैं कहता हूँ आप रेकोडेक में चले जाएं, जो बलोचिस्तान में इतना बड़ा सोने का जखीरा निकला और उसकी बड़ी अफसोसनाक स्टोरी है कि रेकोडेक में जो गोल्ड निकला वो डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब ने इसके ऊपर काम किया और ये जो एक बाहर की मल्टीनेशनल, ये जो चागी के मकाम से मैसर आया, हाँ, धमाकों के बाद जी और मल्टीनेशनल पहाड़ पीले हो गए थे। जी, मल्टीनेशनल कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट मल्टीनेशनल कंपनी को दिया गया इसकी डिस्कवरी के ऊपर, और जब ये डिस्कवर हुआ, जब ये साबित हो गया, तो अब वो वाकई सोना है। जी सोना है,
और मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि ये गोल्ड जो है ये अब हम ही निकालेंगे और कोई नहीं निकाल सकता, ये हमारी मलकियत है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो स्टैंड लिया गया। मगर से उनकी अफसोसनाक बात यह है, अफसोसनाक बात यह है कि उस वक्त की जरदारी हुकूमत और बाद में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत, दोनों हुकूमतों ने ये मुकम्मल कोशिश की कि उस कंपनी के साथ जो रेकॉर्डिक था कि उस कंपनी के साथ अंडर हैंड डील करके ये उनके हवाले कर दिया जाए गोल्ड। मगर मैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान असलम रहसानी को सलाम पेश करूंगा कि उसने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर बड़ा मजबूत स्टैंड लिया और उसने कहा कि ये मेरे इलाके का की दौलत है, मैं ये नहीं दूंगा। फिर इसके ऊपर इंटरनेशनल खासी तनकीद होती है, आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं इस बात का? नहीं, इस बात का क्रेडिट उनको है कि उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड लिया। और फिर ये मुकदमा बैनुल कौमी अदालत में चला, वहां डॉक्टर समर मानसा वहां गए, वहां कंटेस्ट हुआ, वहां से उन्होंने केस जीता। मगर पिछली सर नवाज हुकूमत, वो कंपनी नवाज हुकूमत और जरदारी हुकूमत दोनों की ये कोशिश रही है। मल्टीनेशनल कंपनी किस बेस पे उसको रेकॉर्डिक को क्लेम करती थी? मैं यही तो कह रहा हूं कि वो क्लेम जो करती थी, मगर हुकूमती आलाकार, हुकूमती करिंदे, हुकूमत के मालकान जो हैं वो शामिल थे उस साजिश में। उन्हें पता था कि अगर इसका गोल्ड पाकिस्तान की हुकूमत निकालेगी तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा और आहिस्ता आहिस्ता ये पाकिस्तान के खजाने में जाएगा। दोनों हुकूमतों ने ये कोशिश की कि ये डील हमारे साथ आ जाए। पहले जरदारी हुकूमत ने कोशिश की कि हमें कुछ पैसे मिल जाएं और हम ये कॉन्ट्रैक्ट इनको अवार्ड कर दें। फिर नवाज हुकूमत ने ये कोशिश की कि इसको अवार्ड कर दिया जाए, एक बात, और वो अभी तक मेरे ख्याल में अवार्ड नहीं हुआ। मैं चाहूँगा कि मुझे यकीन है कि खान साहब रेकॉर्डिक के ऊपर भी तवज्जो देंगे और बलूचिस्तान के गोल्ड और वहाँ कापर का बहुत बड़ा जखीरा है उसके ऊपर जाएँ। और फिर उसके आगे जो बात, जो थर के अंदर थर कोल है, थर कोल के ऊपर जो रिसर्च हुई, उस रिसर्च में ये बात सामने आई कि वहाँ पर 500 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है 50 साल तक के अरसे के लिए, और उसके ऊपर 1 मेगावाट के लिए वो जो 1 अरब रुपए का जो मेगावाट का जो खर्चा था उसके लिए कहा गया कि ये जनाब यहाँ पर प्लांटेशन करो। और आज से 10 साल पहले वो 225 रुपये पर यूनिट पड़ती थी, मगर हमारे हुक्मरानों ने रेंटल पावर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए उनके अंदर इनकी पार्टनरशिप थी, कमीशनें थी, और इस वजह से इन्होंने जो थर की सस्ती बिजली थी वो नहीं बनाई, इन्होंने हाइड्रो पावर नहीं लगाए, और इन्होंने सर अब रेकॉर्डिक के साथ बात बताएं, अब रेकॉर्डिक को दरियाफ्त किया जा रहा है, चनियोट की खुदाई कब से शुरू हो रही है और सिंध का कोल दरियाफ्त हो चुका, ये उन हुकूमतों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इसको दरियाफ्त किया, ये इल्जामात हैं। अब आप हुकूमत में हैं, पॉलिसी बताएं कब निकाल रहे हैं। ये इल्जामात नहीं है, मैं इल्जामात इस हवाले से कह रहा हूं, डिस्कवर हुए मगर उसका बेनिफिट इस कौम तक नहीं पहुंचा। क्यों सर, नहीं पहुंचा? क्यों? अब नया पाकिस्तान बन चुका, कब पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। अब इसके ऊपर काम होगा कि ये थर के अंदर बिजली पैदा होगी तो आज नए रेट जो है उसके मुताबिक 4 रुपये यूनिट बिजली पड़ेगी। आप 14 रुपये 18 रुपये यूनिट रेकॉर्ड रेंटल पावर से खरीद रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि जब नवाज की हुकूमत नहीं थी तो उस वक्त ख्वाजा आसफ साहब ने और फैसल साले याद साहब ने राजा परवेज अशरफ के इस प्रोजेक्ट को, इस रेंटल पावर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि इसमें बहुत बड़ी जालसाजी और फ्रॉड है और लूटा जा रहा है। और जब इनकी अपनी हुकूमत आई तो फिर इन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट से केस खुद वापस लेके खुद अपना जाती मुकमका कर लिया। और मुझे अच्छा, यकीन है जाती मुकमका आपका पॉइंट आगे सर, मैं बटालवी साहब की जाने बढ़ूंगा। बटालवी साहब, ये चक्कर क्या है? ऑपोजिशन में होते हैं जाके उनके खिलाफ केस कर देते हैं, हुकूमत आती है केस वापस दे दिया, मामला तय कर लेते हैं उनके साथ, ये चक्कर क्या है सर? गुलाम अब्बास साहब ने ठीक कहा कि अपने हुकूमत की अपनी मजबूरियां होती है बटाल साहब, कोई मजबूरी नहीं होती, लूट सूट का सारा बुनियाद लूट सूट है। जब मैं लूटूंगा अगला नया बंदा आ जाएगा तो उसके साथ मुझे सुलह करनी पड़ेगी, और वो भी चूंकि उसने भी लूटना है उसको भी इनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। यहाँ लूटने की कहानियां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
आपकी वादियाँ नीलम है आजाद कश्मीर लूटने की कहानियाँ ये आप सुना ले, फिर उसके बाद मैं भी आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ। मैं अर्ज करता हूँ आपके पास, अभी पहले मैं ये बताता हूँ कि कापर की बात की थी गुलाम आबाद साहब ने। कापर की जो स्टोरी है, 10,000 टन रॉ कापर पर डे, 10,000 टन रॉ कापर पर डे हमारे पास निकालने की गुंजाइश है, और इसका ये कोई टाइम तय नहीं हुआ कि कितने सालों तक या कितनी सदियों तक हम ये निकाल सकते हैं। ये इतने बड़ा ज़खीरा कापर का हमारे पास, और ये कीमती धातु है। बिल्कुल, कॉपर। इसी तरह क्रोमाइट ओर है, क्रोमाइट ओर आपको पता है इंडस्ट्री में बेपनाह इस्तेमाल होती है, और पाकिस्तान में ये बहुत बड़े ज़खायर इसके मौजूद हैं, और ये चाइना हमसे एक किस्म का इतने कम पैसे में ले जा रहा है, क्योंकि हमारे पास इसको प्रोसेस करने की कोई मशीनरी नहीं लगाई अभी तक। हम राज शक्ल में लाते हैं छोटे छोटे ये साइकिलों के व्हील जो है, मोटरसाइकिलों के व्हील को क्रोमियम कर लिया और उसको छोटी छोटी भट्टियों में ये काम कर लिया, लेकिन चाइना इसकी जो एक स्टैंडर्ड प्योरिटी है वो 46% है, हमारे पास 49 से लेके 53% तक जो प्योरिटी है। हमारी मिनिमम 49 है और बेहतरीन क्वालिटी आप कह रहे हैं कि 46 होती है। बेहतरीन 46 है, एक्सेप्टेबल टू द इंटरनेशनल मार्केट। इसके बाद आप आ जाएं, ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें तमाम कर्जों से निजात दे सकती हैं। आप हैरान होंगे कि कोयले का दुनिया का पांचवां बड़ा ज़खीरा पाकिस्तान में है, दुनिया का पांचवां बड़ा ज़खीरा कोयले का पाकिस्तान में है। सर किस जगह पे? ये आपके तमाम ये चिन्नौर के नीचे भी है, ये सोना और कोयला मिक्स है, ये तकरीबन ये इनका पासस एक ही है। इसी तरह सर ये आप बता दें इसको निकालने के लिए कॉस्ट कितनी लगेगी, क्योंकि जो मैंने सुन रखा है आपने इसे कंफर्म करना है कि जो मशीनरी है वो बहुत महंगी है, पाकिस्तान वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये लतीफे हैं, ये जालसाजी है, ये फ्रॉड है कौम के साथ, ये धोखा है कौम के साथ, ये बदमाशी है कौम के साथ। मुझे ये बताएं, एक कंपनी कैनेडा से चलती है, एक कंपनी ऑस्ट्रेलिया से आती है, उसकी लेबर, उसका लेबर रेट 15 डॉलर तो यहीं से लेंगे ना? सुनते लो ना, नहीं वो सात लाख 15 डॉलर पर आवर है उसका लेबर का रेट, वो जहां से इसलिए नहीं लेते। तो सर उनके पास इतना सरमाया है, वो इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं पहले, हमारे पास तो नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपके पास उससे ज्यादा है, आप उन्हीं से ले सकते हो, आप अगर कर्जे ले सकते हो अपनी अयाशियों के लिए, आप कर्जे ले सकते हो कमीशन खाने के लिए, आप कर्जे ले सकते हो ऑरेंज ट्रेन की 100 मिलियन डॉलर की कमीशन खाने के लिए। बटाल साहब मेरी हमदर्दाना रिक्वेस्ट है, मैंने कोई कर्जा नहीं लिया। आपने नहीं लिया होगा, लेकिन जो आपके हुक्मरान थे हम उसमें शामिल हैं, कर्जा हम पे भी चढ़ा है। इस वक्त एक लाख तकरीबन 30,000 रुपीज पर हेड पैदा होने वाले बच्चे पे कर्जा है, तो फिर आप कैसे कहते हैं आपने नहीं लिया, आपके सर पे भी कर्जा है। आप सिर्फ जोर मुझ पे ही दे रहे थे, मैंने कहा आपसे मुराद पाकिस्तान का हर शख्स है बेहतर हो जिस पे ये कर्जा अच्छा, चढ़ा के अब जी सर आगे गुलाम आबाद साहब की जानिब जाना चाहूंगा। गुलाम आबाद साहब ये बताइएगा, पहले हमने देखा डीपीओ पाकपतन का इशू आया, कल खत लिख दिया गया चीफ सेक्रेटरी को कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, अब चकवाल के डीसी ने भी खत लिख दिया कि हमें आर पर तबादलों के लिए जोर है, वहां दरीशक साहब जोर दे रहे हैं, यहाँ जुल्फकार अली खान चकवाल में जोर दे रहे थे, वहां वो आपके सामने वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है केस, उस पर हम बात नहीं करते, तो आप सारी ब्यूरोक्रेसी आपसे नाराज है, तो किस तरह से आप मुल्की निज़ाम चलाएंगे? जी देखिए, पहले तो मैं इजाजत हो इस पर भी बात करता हूँ। अभी आपने जब कोयले का पूछा तो दुनिया का सबसे बेहतरीन कोयला बलूचिस्तान में है। बिल्कुल, और अगर आप कोयला जो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टेड कोयले के साथ आपको बिजली का रेट जो है वह पर यूनिट 11 रुपये पड़ता है, और अगर आप बलूचिस्तान का कोयला यूज़ करें तो उससे 6 रुपये पड़ता है। इसलिए इंपोर्ट करने की बजाय हमें अपना बलूचिस्तान का दिया। जी वो आप ठीक कह रहे हैं, मैं जो मैं आपको ये जरा नाज़रीन के लिए मैं बता रहा हूँ कि कोयटे का कोयला सबसे बेहतर है और वो दुनिया का सबसे बेस्ट कोयला है, और जो जिसमें इतनी हीट है कि वो बिजली जो है वो हाफ रेट पे तैयार करता है। अफसोस यही है कि ये बाहर की कंपनियों से कमीशनें ली हैं, इनकी पार्टनरशिप है, और ये कौम को मार रहे हैं और तबाह कर रहे हैं। एक बात,
दूसरी बात जो आपने अभी फरमाया जी बिल्कुल कि ब्यूरोक्रेसी, देखिए जो भी हुकूमत आती है और ये आने वाली हुकूमत का प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपनी मर्जी के साथ टीमें जो हैं उसको तश्कील दे। बिल्कुल। और क्या ये जब मियां नवाज शरीफ सब तशरीफ़ लाए थे हुकूमत में, क्या जब जरदारी सब तशरीफ़ लाए थे हुकूमत में, या माजी में जितनी हुकूमतें आती रही उसके अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग कम्फर्टेबल? ट्रांसफर पोस्टिंग की बात नहीं है। देखिए ना, वो कम्फर्टेबल डीपीओ केस का नोटिस नहीं लेता, हम देखते हैं कि डीसी चकवाल खत नहीं लिखता, राजनपुर के डीसी पे तबादलों के लिए दबाव नहीं दिया जाता। और ये सर नए और पुराने पाकिस्तान का इतना अखलाकी फर्क तो होना चाहिए। खान साहब पिछले 22 साल से आला अखलाकियात का दर्श दे। मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, पहली गुजारिश मेरी ये है कि डीपीओ जो है, डीपीओ साहब की इंक्वायरी जो है वो हो रही है। सर उस केस पे हम सब जुडिस है, वो अदालतों में चल रहे हैं। नहीं, बात करने पे कोई हर्ज नहीं है, मगर उसके ऊपर राय उस वक्त तक कायम नहीं की जा सकती जब तक इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट सामने ना आ जाए। बेहतर है आप कमिट कर लें। पता नहीं कौन कसूरवार है, कौन नहीं कसूरवार। मैं चाह रहा था कि डीसी अगर के हवाले से जरा वो आप खुल के बात कर। डीसीओ साहब ने जो बात की है उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में इंक्वायरी होगी, और किसी को भी ये हक नहीं है, ना कोई कह रहा है किसी को तबादले करो, मगर ये जरूर होगा कि मसलन मैं एक इलाके का नुमाइंदा हूँ, मेरे इलाके में अगर मैं डिप्टी कमिश्नर साहब कहूँ कि ये सैलाब ज़्यादा इलाके हैं, यहाँ लोग जो हैं वो मर रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो आगे से ये जवाब मिले कि ये जनाब छुट्टियाँ हैं, अभी तो अफसर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। मसलन मैंने एक सड़क जो है वो बह गई थी अभी पिछले दिनों मेरे हल्के में सैलाब से, तो मैंने उनसे कहा कि ये सड़क बह गई है, इसके ऊपर को आरजी जो है वो सिस्टम कायम कर दिया जाए। उन्होंने फरमाया देखें जी ये अभी हमने इसके ऊपर टेंडर किया। फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि जनाब आपने टेंडर किया है, टेंडर आएगा, अप्रूव होगा, ये कितने दिन लगे, वहाँ से हमारी बच्चियों ने स्कूल जाना होता है तो वो कैसे स्कूल गुजरे? आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से किसी डीसी ने खत नहीं लिखा कि आप गुलाम अब्बास हमें प्रेशराइज कर रहा है, जबकि हाँ। जुल्फकार अली खान और हुसैन बहादुर दरीशक जो कि नसरुल्ला दरीशक साहब के बेटे हैं, उनको उस हवाले से ये किया गया, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में अगर प्रेशराइज किया गया है तो वो गलत है, और मुझे यकीन है कि प्रेशराइज नहीं किया गया होगा। चलिए सर, आपका पॉइंट, पहली बात ये है कि जिन जिन अफसरान ने पिछली हुकूमत के साथ मिलकर लूटमार की है उनको अब अपना मुस्तकबिल सर वो नैब की इंक्वायरी करेगी। सर यही नैब ही करेगी, मगर बहाने तलाश किए जा रहे हैं यहीं से सर, ताकि इसी से आगे चलेंगे जी, हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, कंटिन्यू करेंगे, बटालवी साहब की राय लेंगे, या वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस।